ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म वॉर को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं और बताना चाहेंगे हाल ही में इस फिल्म का टीजर वीडियो और फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन और एक्शन से भरपूर लग रहा था, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट इस फिल्म को देखने के लिए काफी हद तक बढ़ गई है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है और इस फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया जाना है, लेकिन अब रिलीज से पहले फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर यश राज फिल्म्स में फिल्म को लेकर तकरार हो चुकी है। दरअसल यश राज फिल्म्स इस फिल्म के साथ ही वो डील चाहते थे कि ठग्स हिंदुस्तान के साथ की गई थी, यानी कि भारी नुकसान। ठग्स हिंदुस्तान के दौरान फिल्म बहुत ही कम कीमतों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेची गई और कहा गया कि बिल्कुल अलग तरह का ट्रेंड चलाने वाली फिल्म है, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी नुकसान हुआ और ऐसे में अब यही बात फिल्म वॉर के साथ होती दिख रही है। अगर ऐसा हुआ तो वॉर फिल्म को लेकर मेकर्स काफी भारी नुकसान झेलते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे इस बात के बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की तगड़ी फैन फॉलोइंग मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर ऋतिक रोशन की भी हाल ही में रिलीज फिल्म सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़े थे। इसी के साथ ही एक एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। साथ ही एक्शन के अलावा ये दोनों एक्टर अपने डांस परफॉर्मेंस को भी लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ऋतिक और टाइगर की जोड़ी फिल्म वॉर में काफी ज्यादा धुआंधार एक्शन सीन करते हुए नजर आएगी, जिसे फैंस भी काफी ज्यादा पसंद करेंगे। फिलहाल इस फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया जाना है और इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन के अलावा वाणी कपूर अपनी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु देवा के निर्देशन में बन रही फिल्म दबंग 3 की शूटिंग लगभग खत्म ही होने वाली है और ऐसे में सलमान खान एक बार फिर से सुर्खियों की वजह बन रहे हैं। सुर्खियों की वजह बनने की एक बड़ी वजह भी सामने आ रही है। जी हां, बताना चाहेंगे इन दिनों सलमान खान बिग बॉस सीजन 13 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं और बताना चाहेंगे इस शो में सलमान खान का पहला लुक भी सामने आ चुका है। इसमें सलमान खान एक स्टेशन मास्टर बने नजर आ रहे हैं। कलर्स ने ट्विटर पर बिग बॉस 13 का एक फोटो शेयर किया है जिसमें सलमान खान स्टेशन मास्टर के गेटअप में नजर आ रहे हैं। बताते चले, हमेशा की तरह शो के प्रोमो में सलमान खान बिग बॉस सीजन 13 की थीम का खुलासा करेंगे। फोटो में सलमान खान को एक कैबिन में माइक पर बात करते हुए देख सकते हैं। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, हमारा उत्साह आसमान छू रहा है क्योंकि सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही बिग बॉस सीजन 13 लेकर आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हालांकि ये बिग बॉस से है या नहीं इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। अब साफ हो गया कि फोटो बिग बॉस शो का ही है। बताते चले, इस बार बिग बॉस सीजन 13 का सेट मुंबई के फिल्म सिटी में ही बनाया गया है। वही दूसरी ओर बिग बॉस सीजन 13 की बात करें तो शो के प्रोमो वीडियोज को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। सलमान खान ने 4 प्रोमो शूट कर लिए हैं। बिग बॉस सीजन 13 सितंबर के आखिर में शुरू होगा। इस बार भी शो को सलमान खान ही जज करते हुए नजर आएंगे। एक रिपोर्ट मुताबिक बताया गया है कि इस बार सलमान खान बिग बॉस सीजन 13 को होस्ट करने के लिए मेकर से 403 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। जी हां, आपने सही सुना, बिग बॉस सीजन 13 के लिए सलमान खान ने एक मोटी रकम की मांग की थी, जो मेकर्स ने उनकी ये मांग खुशी खुशी पूरी भी कर ली है। बिग बॉस सीजन 13 को होस्ट करने के लिए सलमान खान 403 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेने वाले हैं। इसी के साथ ही सलमान खान के अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो इस समय प्रभु देवा के निर्देशन में बनी फिल्म दबंग 3 को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और उनकी इस फिल्म को 20 दिसंबर 2019 को रिलीज किया जाना है। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह को लेकर भी चर्चाओं में बने हुए हैं। बाहुबली फेम सुपरस्टार प्रभास की बात करें तो करीब 2 सालों के बाद वो अपनी एक बड़ी फिल्म के साथ जबरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाहुबली फेम स्टार प्रभास की फिल्म साहू को 30 अगस्त 2019 को रिलीज किया जाना है और इस फिल्म में उनके बावजूद श्रद्धा कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों, भी हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि प्रभास अपनी फिल्म साहू को लेकर काफी ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। उस बात का खुलासा उन्होंने अभी हाल ही में किया है। बताते चले, प्रभास का मानना है कि उनकी बाहुबली सीरीज बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ऐसे में वो सोच रहे हैं कि साहू के साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि यह तनाव डायरेक्टर या फिर स्क्रिप्ट की वजह से नहीं बल्कि डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा दिए गए हुए भार का है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे हाल ही में प्रभास ने PTI के साथ इंटरव्यू के दौरान अपनी खुलकर बातचीत रखते हुए कहा कि बहुत सारी ऑडियंस है, पता नहीं चलता है कि किस जगह के लोग आपको कितना प्यार करते हैं। मेरे फ्रेंड ने बताया कि गुजरात में कुछ बच्चे बाहुबली फिल्म का गाना गा रहे थे। प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, ये काफी डरावना है। साहू के लिए मैं कई रातों से नहीं सोया हूँ। स्ट्रेस के कारण मैं कई दिनों तक नहीं सो सका।
वैसे देखा जाए प्रभास का ये डर काफी कुछ जाहिर कर रहा है, क्योंकि बाहुबली सीरीज के बाद प्रभास की ब्रांड वैल्यू काफी हद तक बढ़ गई है। प्रभास अपने फिल्मसाहों को 100% परफेक्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और भी हाल ही में जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो ट्रेलर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास बाहुबली सीरीज के बाद एक जबरदस्त वापसी साहो फिल्म के साथ करने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे, इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में श्रद्धा कपूर, अमृता नायर की भूमिका में हैं और वो फिल्म में क्राइम ब्रांच ऑफिसर का रोल कर रही हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर और नील नितिन मुकेश विलेंस की भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है ये फिल्म भी काफी ज्यादा धुआंधार एक्शन से भरपूर होने वाली है, जिसकी हमने छोटी सी झलक फिल्म के ट्रेलर में देख ली है। ऐसे में दोस्तों आपकी एक्साइटमेंट है फिल्म साहो को लेकर, और ये फिल्म 30 अगस्त 2019 को रिलीज होने जा रही है, और इस फिल्म को आप देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं अपना सुझाव हमें जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए। कुछ समय पहले सुपरस्टार अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया सीक्वल के ऐलान हुआ था, और अब इस सीक्वल में कार्तिक आर्यन नजर आने वाले हैं और इनका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका है। लेकिन फर्स्ट लुक रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल भी मच गया है। कई लोगों ने जहां इस फर्स्ट लुक की तारीफ की, वहीं कई लोगों ने इस फर्स्ट लुक को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल भी किया। जी हां, बताना चाहेंगे भूल भुलैया इस सीक्वल में कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की जगह ले चुके हैं, लेकिन अक्षय के अपोजिट कार्तिक आर्यन कितने ज्यादा इस फिल्म में फिट हो पाएंगे इस बात पर अभी भी मत्थापच्ची जारी है, क्योंकि अक्षय के फैंस चाहते थे कि भूल भुलैया के सीक्वल में अक्षय कुमार ही नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि एक लंबे समय से इस फिल्म को लेकर ये भी चर्चा लगातार हो रही थी कि फिल्म में अक्षय कुमार एक कैमियो करते नजर आ सकते हैं। इस चर्चा को विराम देते हुए फिल्म के निर्देशक अनीस बाजपेयी ने सारी बातों को खुलासा कर दिया है। इस सवाल पर उनका कहना था कि मुझे लगता है कि इस पर कुछ बातें करने के लिए अभी थोड़ी जल्दी है। आगे उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि अभी तो फिल्म को लेकर काम ही चल रहा है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को लेकर मना भी नहीं किया। और गौरतलब है कि जब इस फिल्म का ऐलान हुआ था तब कार्तिक आर्यन को उनके फर्स्ट लुक को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल भी किया था, और अक्षय कुमार के फैंस को शायद ये बातें अच्छी नहीं लगी थी कि उनका रोल कोई और करे। खैर, इस फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शायद ही इस फिल्म में अक्षय कुमार एक कैमियो अपीयरेंस करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी इस बात की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही दोस्तों हम आपकी राय लेना चाहते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अक्षय कुमार की भूमिका को बखूबी निभा पाएंगे कार्तिक आर्यन। अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए।